सुप्रभात, मु निरंजन दक्षता इंस्टीट्यूट रही यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत करुच्छी। आज भिडियो आम दशम श्रेणी परिमितर अनुश्रेणी पाँच बी प्रश्न नंबर 16, 17, 18 एभली तीनोटी प्रश्न को समाधान करवा। जदि पूर्व भिडियो गुड़ाक देखा चाहू तो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी तुम्हें चेक कर नचे प्ले लिस्ट को जामर विभिन्न प्रकार भिडियो तुम्हें देखिपर तेज चार पे आरंभ करवा आज भिडियो। समाधान करिबा प्रश्न नंबर 16। तो कौन अच्छी प्रश्न नंबर 16 देख, गोटे अर्धवृत्ताकार पड़ियार क्षेत्रफल 2772 वर्ग मीटर, यही पड़िया को बाड़ द्वारा आबद्ध करने को हेले मीटर प्रति 37 पैसा दर रे केते खर्च हो। तो देख पे सी कौन कह पड़िया चारिपटे बाड़ द्वारा आबद्ध करने कहे, तो देख पे पड़िया चारिपटे जब बाड़ दि हम अर्थात आम कौन पड़े से जो अर्धवृत्त अच्छे से अर्धवृत्तर परिसीमा आमको निरूपण करा पड़ो। तो परिसीमा निरूपण करवाक आम कौन दरकार पड़ो, आमको निश्चित रूप से ही अर्धवृत्तर तार से व्यासार्ध को आम निरूपण करवाक पड़ो। तो देख आम कि तो प्रश्न से दे कौन गोटे अर्धवृत्ताकार पड़िया क्षेत्रफल से दे। तो देख पिले तो ये हूँ मनकर गोटे अर्धवृत्त अर्धवृत्ताकार क्षेत्र, ठीक अच्छे यही अर्धवृत्ताकार क्षेत्र कौन से दे ना तार क्षेत्रफल दे। तो देख पिले पूरा वृत्तटार क्षेत्रफल कौन हो पाई आर स्क्वेयर, तो अर्धवृत्तर क्षेत्रफल के पल आस पाई आर स्क्वेयर बाय टू। तो कौन लिखा आम तो लिखिद मन कर अर्धवृत्ताकार पड़ियार व्यासार्ध, ठीक अच्छे तो अर्धवृत्ताकार पड़ियार व्यासार्ध आम कौन कर आर मीटर नहीं जावा तेब यार क्षेत्रफल यार माने अर्धवृत्ताकार क्षेत्र तेब यार क्षेत्रफल, ठीक अच्छे तो यार क्षेत्रफल कौन हो पिले तो देख दे सी कौन 2772 वर्ग मीटर। तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल सूत्र कौन हम पाई आर स्क्वायर बाय टू इज इक्वल के 2772 वर्ग मीटर। तो देख पिले ये वर्ग मीटर न लिखले भी चलो। एबे देखो कौन करवा तो एबे पाई रूल्य पकईदे 22/7 इंटु आर स्क्वायर बाय 2 है इजिकल के 2772 ए भितर आम को आर टा बाहर करा पड़ो, ठीक अच्छे तो देख पे ये आम कौन करवा तो 22/7 ये देख पे ये जो बाय 2 अच्छे ये कौन करवा 22/7 इंटु आर स्क्वायर देन यहाँ जो बाय अच्छे आपको जो इंटू करदे तो 2 बदल कौन जो 1/2 हो, ठीक अच्छे इक्वाल टू के 2772 एबे देख 2 को जो देखो कैनसल करवा 11 हो देन जब ए भितर आम आर स्क्वायर बाहर करवा तो यहाँ उल्टी जीव तो 11/7 अच्छे ये 7/11 इंटु 2772। तो देख पे यूँ आम कौन करवा जदि 11 को आम कैनसल करवा तो 11 करते कटो देख 11 2×22 होगा देन देख पे ये अच्छे के 5 तो 57 है 11×55 देन 11 2×22, ठीक अच्छे ताहले एठी केत रहा देख पिले तो आर स्क्वायर इक्वल के 7×252 होगा देन आम कौन करवा ए भितर आम कौन करवा आर टाक बाहर करवा तो आर इक्वल कौन जो आर वर्गमूल पल आस अर्थात 7×252। तो देख पिले यू आम कि काढ़ देख ये गोटे 7 अच्छी तो 252 आम कौन करवा 7 भांगिद। तो देख 252 को आम जब 7 भांगा तो कौन ये तो 7 के कल कहते हे तो 7×21 होगा देन ये देख 4 अच्छी तो 742 होगा, ठीक अच्छे तो ये आम कौन करवा तो इक्वल ये होते ना रूट 7×7 अच्छी इंटु ये 252 के पलिशा ना 7×36 होगा। तो ये देख पे 7 7 2टा 7 अच्छी गोटे 7 होगा देन 36 वर्गमूल के पलिशा 6 होगा अर्थात आर उत्तर कल पलिशा ना आर इक्वल टू 742 मीटर है अर्थात जना पड़ा से जो अर्धवृत्ताकार पड़ा अच्छी तार व्यासार्ध के जना पड़ा 42 मीटर। तो सी जो पचार देख पे प्रश्न कौन पचार आमको प्रश्न से पचार चारिपटे बाड़ देवाई मीटर पिछा जदि 37 पैसा खर्च हे तेत टाँग खर्च हे अर्थात आम कौन कर पड़े ये आम कौन करवा यार परिसीमा बाहर करवा। तो देख पे ये आम लिखिद अर्धवृत्ताकार पड़ियार परिसीमा तो लिखिद देख पे कौन लिखा तेल अर्धवृत्ताकार पड़ियार
पड़िया परिसीमा काटदे आम। तो देख पे ये आराम से काटदे कौन हम अर्धवृत्ताकार पड़िया परिसीमा देख यहीटा पूराटा कौन हम टू पाई आर तो अधाटा कौन है पाई आर है तो पाई आर प्लस कौन हम यहीटा हूँ व्यास अर्थात टू आर तो पाई आर प्लस टू आर बात आर कमन काटदे तो पाई प्लस टू हो देन देख पे आर रूल्य आम पलि आसा बयालीस तो बयालीस इंटू ये के पाइर मूल्य के बैस बै सात प्लस दुई ठीक अच्छे देन बयालीस बयालीस रहा इंटू या जो आम लस कर तो सात हम देन ये कैसे हम बैस प्लस सात दुगुण के चौदह है देन आपको जो आम काटा सात सौ बयालीस है देन छह इंटू ये कैसे हम चार दुई के छाला देन तीन एक छः तो कैसे छत्तीस इंटू छ आसला तो ये कैसे देख छत्तीस को आम जब छुणीद तो देख पे ये जदि छत्तीस को आम छुणा तेल कैसे हम छो छत्तीस छत्तीस अठर अठर तीन एक आसला दुईश षोह मीटर पर आसला दुईश षोह मीटर तो ये थी कौन अर्धवृत्ताकार पड़िया परिसीमा जना पड़ा। तो ये आम कौन करवा जेहेतु गोटे मीटर को खर्च होते सतैतीस पैसा तो दुईश षोह मीटर को कैसे खर्च होता है ना दुईश षोह इंटू कौन करवा सतैतीस करदे तो देख पिले ये आम कौन करवा तो ये गोटे धाड़ी आम लिखा तो मुझे लिखुनी खाली कही कौन लिखा तो ना देयरफॉर पड़िया को बाड़ देवाई मीटर को सतैतीस पैसा खर्च हेले दुईश षोह मीटर बाड़ देवाई खर्च हे कौन हम ना दुईश षोह इंटु कैसे सतैतीस पैसा जब आपको आम युटा को गुणवा तो देख मुझ सैड्रे गुणी दूसरी तो कैत हम दुईश षोह इंटु जब सतैतीस आम करवा तो कत देख तो ये कत ना सात सौ बयालीस है देन सात एक सात सात चार एगार है ठीक अच्छे देन सात दुगुण चौदह एक पंद्रह है देन छत्तीस अठर तीन एक तीन एक चार देन तीन दुगुण छः जो मिसेवा दुई आठ एक नौ पाँच चार नौ छः एक सात कत आसला सात हजार नौशह बयानबे तो कत आसला सात हजार नौशह बयानबे एतिक पैसा आसला बिल्कुल ठीक अच्छे तो जेहतु आम सतैतीस पैसा गुणीचे तो कत आसला सात हजार नौशह बयानबे पैसा तो आपको जो आम टार कनवर्ट करवा कौन हम पिले ना टार कनवर्ट कले हम अनाशी टा बयानबे पैसा एतिक ठीक अच्छे बाकी जो आम आदि सर्टकट लिखा तेल कौन हम ना अनाशी दशमिक नौ दुई टा एम लिखा तो ये थिला प्रश्न नंबर षोह एवं आम देखा प्रश्न नंबर सतर। तो प्रश्न नंबर सतर कौन अच्छी देख गोटे वृत्ताकार रास्तार बाहर और भितर वृत्तर व्यासार्ध यथाक्रमे छपन सेंटीमीटर और बयालीस सेंटीमीटर तेज रास्ताटर क्षेत्रफल निर्णय कर तो देख पे आम कौन करवा तो गोटे वृत्ताकार रास्तार बाहर भितर वृत्त देख पे ये किमी हम तो गोटे बलाकार हो तो देख पे यहीटा यही प्रकार हम तो देख तो ये प्रकार अच्छी तो सी कौन दे देख गोटे वृत्ताकार रास्तार बाहर और भितर वृत्तर व्यास यथाक्रम दे तो देख जो बाहर वृत्तटा अच्छी तार व्यास के ना छपन मीटर देन भितर जो व्यास वृत्तटा अच्छी तार व्यास हूँ कैसे बयालीस सेंटीमीटर तो पूराटा हूँ कैसे पूराटा हूँ छपन सेंटीमीटर देन यूँ के बयालीस सेंटीमीटर तो सी बर्तमान प्रश्न प्रश्न पचार रास्ताटर क्षेत्रफल निरूपण कर तो देख पे ये आम कौन करवा तो प्रथम ये आम लिखीद कौन लिखा तो ना वृत्ताकार रास्तार लिखीद देख पे वृत्ताकार रास्तार बाहर वृत्तर व्यास तुम लिखि बाहर वृत्तर व्यास कत अच्छे प्रश्न देख भाला कत अच्छी ना छपन सेंटीमीटर छपन से मी तेब यार देख पे तो यार अर्थात कौन करवा आम तो व्यासार्ध जब आम बाहर करवा बही व्यास तेब तेब बही व्यासार्ध व्यासार्ध बा जब आम कैपिटल आर आपको नवा तो ये कौन हो छपन बै दुई इक्वाल के अठाईस सेंटीमीटर है ये ठीक अच्छे तो ठीक से हीपरी आम कौन करवा वृत्ताकार रास्तार भितर वृत्तर व्यास नवा तो देख पे देख पे सहीपरी कौन करवा भितर वृत्तर व्यास कौन अच्छी ना बयालीस सेंटीमीटर ठीक अच्छे तो तेज अंत व्यासार्ध कौन हम अंत व्यासार्ध हो देख पे तो अंत व्यासार्ध इक्वल के अंत व्यास जब स्मल आर नवा ठीक अच्छे तो कत ये बयालीस बै दुई इक्वल के एक सेंटीमीटर है बुझीगल पे ठीक है। तो ये आम कौन करवा रास्तार क्षेत्रफल बाहर करवा तो रास्तार क्षेत्रफल तुम जान बलकार जो
पत्थर उठला तार क्षेत्रफल आम कौन करते तो यार सूत्र डिस्कस कर सारी तो तार सूत्र कौन होता ना लिखिदे आम डायरेक्ट देयरफॉर रास्तार क्षेत्रफल रास्तार क्षेत्रफल इक्वल कौन हम पिले ना पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ठीक अच्छे तो ये हम तो कौन कर देख बर्तमान जो सूत्र पकईदे पाई रूल्य है 22/7 देन कैपिटल आर स्क्वायर जब करवा एक 28 स्क्वायर हो देन माइनस ये कौन करवा तो स्मॉल आर के स्मॉल आर टाइम 21 अच्छी तो 21 स्क्वायर करदे तो ये ये कौन हम देख पिले जदि आम यार मूल्य पकेबा तो देख 22/7 को 22/7 रहा इंटु यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करवा ए प्लस बी टाइम माइनस बी कर पार्बा तो 28 प्लस 21 इंटु 28 माइनस 21 करदे आम इजिली सल्व करूँ तो देख 22/7 इंटु 28 21 मिस 8 एक 9 है देन 2 2 4 49 है इंटु 28 21 माइनस कर देते 7 आस तो देख पिला जो कैनसल करवा तो 7 7 कैनसल है तो 49 को जब 22 मल्टीप्लाई करवा तो देख पी मुझे साइड मल्टीप्लाई कर दूसरी तो 49 इंटु 22 करदे तो कैसे हम देख 2 गुण के 9 2 18 4 2 8 एक 9 देन आउ थोड़े 18 नो तो 8 9 8 17 7 लिखा एक आसा 1078 आसा तो कैसे हम तेल ना 1078 वर्ग सेंटीमीटर तो सी रास्तार क्षेत्रफल पचारा तो रास्तार क्षेत्रफल आम पलि आसा कैसे 1078 वर्ग सेंटीमीटर तो ये प्रश्न नंबर 17 एवं आम देखा प्रश्न नंबर 18 तो 18 नंबर प्रश्न कौन अच्छी देख पिले 32 मीटर व्यास विशिष्ट गोटे वृत्ताकार बगीचा मध्य ताहार सीमा को लग गोटे रास्ता निर्मित हो रास्तार क्षेत्रफल जदि 352 वर्ग मीटर हेले यार प्रस्त केते हो तो देख पिले ये आम कौन करवा तो ये गोटे बलाकार अच्छे तो देख पिले तो ये गोटे बलाकार है ठीक अच्छे तो ये कौन देती ना 32 मीटर व्यास विशिष्ट गोटे वृत्ताकार बगीचा तो देख पिले जब पूराटा 32 हो जाए देन आम कौन करवा तार व्यासार्ध जब देखा तो व्यासार्ध कौन हो 16 मीटर हो देख पिले ये जब आम देखा जब 16 मीटर हुए ठीक अच्छे जब यहाँ 16 मीटर हुए देन से कौन कही ना तार पुणी तहार सीमा को लगे गोटे रास्ता निर्मित हो रास्तार क्षेत्रफल दे 352 वर्ग मीटर हेले रास्तार प्रस्त निरूपण करने तो रास्तार प्रस्त निरूपण करा कौन करा ना बाहर जो वृत्तटा रहा तो तार आमको व्यासार्ध निरूपण करा पड़ो आ जो भितर जो वृत्त रहा तार आमको व्यासार्ध निरूपण करा पड़ो ठीक अच्छे तो ये देख पिले तो जो बाहर वृत्त अच्छे तार व्यासार्ध आम जानते 16 मीटर तो ये आम कौन करवा अंतवृत्त जो अच्छे यार आमको व्यासार्ध निरूपण करदे आंसर कम्प्लीट हो तो मन कर ये आम स्मॉल आर नहीं जा तो देख पिले ये आम कौन करवा तो स्मॉल आर मीटर नहीं जाए ठीक अच्छे तो देख आम कमी करवा तो स्टार्टिंग आम कौन लिखा तो लिखीदे वृत्ताकार बगीचार व्यास तो जहाँ देती प्रश्न कौन देती आमको ना वृत्ताकार वृत्ताकार बगीचार बगीचार व्यास तो व्यास के पे देख प्रश्न देख के ना 32 मीटर ठीक अच्छे तो लिखीदे इक्वल 32 मीटर अच्छा जब व्यासटा 32 मीटर होगा तेज व्यासार्ध कौन हो तो लिखीद तेबे तेबे व्यासार्ध ठीक अच्छे तो व्यासार्ध कौन हो 32/2 इक्वल टू के पलिशा 16 मीटर पलिशा आम ठीक अच्छे एवं आम कौन करवा बगीचार क्षेत्रफल काटदे अर्थात ये जो वृत्त अच्छे तार क्षेत्रफल पलिस तो लिखीदे तो कौन लिखा ना बगीचार क्षेत्रफल तेबे बगीचार क्षेत्रफल ठीक अच्छे तो बगीचार वृत्ताकार तो ये जब क्षेत्रफल पकेबा कौन पाई आर स्क्वायर हो तो लिखीदे पाई आर बोले कौन हम 16 स्क्वायर हो तो एति वर्ग मीटर ठीक अच्छे देन आम कौन करवा पे देख मन कर अंतवृत्त व्यासार्ध हो आर मीटर तो लिखीद मन कर अंतवृत्त व्यासार्ध ठीक अच्छे अंतवृत्त व्यासार्ध तो ये कौन है पे देख आर मीटर है ठीक अच्छे जदि आम स्मॉल आर मीटर नहीं जा तो यार क्षेत्रफल आम काटदे तेबे तेबे अंतवृत्तर क्षेत्रफल ठीक अच्छे तो क्षेत्रफल के पे देख ये मत ये पाई आर स्क्वायर हो तो पाई आर स्क्वायर देन आम कौन करवा देख पे सी कौन कही रास्तार क्षेत्रफल प्रश्न ही दे 352 मीटर तो ये आम लिखीद देयरफॉर प्रश्न अनुसार तो ये आम कौन करवा देख प्रश्न अनुसार ये कौन हो जेहतु रास्तार क्षेत्रफल 352 अच्छी अर्थात रास्तार क्षेत्रफल सूत्र पकड़ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर तो पाई को पाई रखीदे तो ये कौन हम देख ये कौन अच्छी बहिर्व्यासार्ध के अच्छे 16 अच्छी तो ये कौन करवा आम 16 स्क्वायर ठीक अच्छे देन माइनस ये कौन हो माइनस आर स्क्वायर ठीक अच्छे आर स्क्वायर इक्वल के प्रश्न दे 352
एठू आम कौन करवा देख पाई मूल्य पकड़ आम 22/7 ठीक अच्छे यही आम देख 16 स्क्वयर करवा तो 16 स्क्वयर कत पे 256 तो लिखीदा 256 माइनस आर स्क्वयर इक्वल टू 352 एबे देख 256 माइनस आर स्क्वयर इक्वल कैसे जी ओल्टी जी अर्थात 7/22 इंटू 352 तो ये आम कि कैनसल करवा देख पे तो 11 काटले 11 दुगुणे देन ये कैसे जी 11 तरीके देन 11 दुगुणे देन दुगे काटले कैसे 16 है तो 16 को इंटू जब आम 7 करदे ये तो 16 सत्या तो देख पे 16 सत्या के पलिस 112 पलिसला अर्थात 256 माइनस आर स्क्वयर इक्वल के पलिसला 112 पलिसला एवं आम कौन करवा देख ये करदे तो आर स्क्वयर इक्वल टू के बर्तमान तो 256 रु 112 माइनस हो तो 256 माइनस 112 तो आपको जो माइनस करवा 6 रु 2 गले के 4 देन 5 रु 1 गले के ये मुझे 4 हो देन 2 रु 1 गले 1 लाख तो आर स्क्वयर इक्वल टू के 144 देन आम कौन करवा पे देख ये तो आर स्क्वयर जो 144 है देन आर इक्वल टू के 144 वर्गमूल प्लस तो 144 वर्गमूल के प्लस 12 प्लस ठीक अच्छे तो 12 मीटर है तो यहाँ कौन है तार कौन जो भितर जो वृत्त रहा तो तार व्यासार जनपड़ा को 12 मीटर अर्थात स्मल आर जनपड़ा एवं आम कौन करवा देर फर तो लिखीदा देर फर रास्तार प्रस्त रास्तार प्रस्त तो रास्तार प्रस्त कौन हो पिले ना ये जो बाहर जो रहा बाहर वृत्तर व्यासार्ध माइनस भितर वृत्तर व्यासार्ध अर्थात आम कौन आसा बाहर वृत्त पर आसा के तो 16 माइनस ये आम कौन करवा बाहर करदे तो 16 माइनस जदि आम बाहर करवा तो ये कैसे पलि आस पे ना 16 माइनस 12 इक्वल टू के पलि 4 मीटर पलिस ठीक अच्छे तो ये के पलि 4 मीटर पलिस तो ये आमर प्रश्न नंबर 18 आशा करम समस्त को आज 16, 17 आ 18 संपूर्ण भाव में बुझी सारी जदि बुझी सारी तो निश्चित रूप लाइक कर कमेंट कर सेयार कर आदि चैनल को अपन सब्सक्राइब करना हो तो तुरंत सब्सक्राइब करदेव तेज चल पे आज भिडियो शेष करवा कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग धन्यवाद।